आज यार हम बात करने वाले हैं बाहुबली के बारे में। जी हाँ, बाहुबली मूवी के बारे में नहीं, बाहुबली हीरो प्रभास के बारे में कि यार उनके अगले 3 साल में कौन कौन सी मूवी आपको देखने को मिलेंगी। तो यार इसी बारे में बात करेंगे, फिर चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं मूवीज का नाम। तो यार इस लिस्ट में जो पहला नाम आता है उस मूवी का नाम है राधे श्याम और मूवी को रिलीज किया जाना है 2021 में। मूवी की लगभग यार शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी है और थोड़ा सा काम बाकी है और मूवी आपको देखने को मिल सकती है जून जुलाई तक, 2021 के जून जुलाई तक। और उनके साथ इसमें देखने को मिलने वाली है पूजा हेगड़े प्लस यार कुछ और भी अच्छे एक्टर। मूवी का जो बजट है वो है यार 210 करोड़ का और देख सकते हो यार कितना महंगा बजट है। और भाई प्रभास की मूवी हो और इतना बजट ना हो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यार उनका स्टारडम इस समय यार सबसे ऊपर है। और उसके बाद उनकी एक और मूवी आनी है जो होने वाली है यार दीपिका पादुकोण के साथ। मूवी का नाम यार अभी फाइनल नहीं हुआ है, पर यार मूवी का जो बजट निकल के आ रहा है उस हिसाब से इसको यार 500 करोड़ के बजट में बनाया जाएगा। अब सोच सकते हो यार इतना महंगा बजट तो यार मूवी कैसे होगी। और मूवी को वहीं रिलीज किया जाएगा 2022 में और इंडिया के लगभग यार सबसे महंगी साइंस फिक्शन मूवी होगी। और जो बताया जा रहा है इस मूवी का कॉन्सेप्ट यार कुछ अलग हटके है और इसे पूरी दुनिया में एक साथ रिलीज किया जाएगा। और उम्मीद भी किया जा रहा है कि यार ये मूवी पूरी दुनिया में इंडियन सिनेमा का नाम ऊंचा कर देगी। फिर यार उनकी एक और मूवी आनी है 2022 में और यार इस मूवी के बारे में क्या ही बोलना, पूरी मूवी यार 3D में शूट होनी है। प्लस यार मूवी का नाम होने वाला है आदि पुरुष, जिसको यार अभी कुछ टाइम पहले ही अनाउंस किया गया था। मूवी को यार डायरेक्ट करने वाले हैं ओम राउत, जिन्होंने यार अभी कुछ टाइम पहले तानाजी मूवी बनाई थी। प्लस यार मूवी के जो विलन होने वाले हैं वो है सैफ अली खान। भाई सर लंकेश के कैरेक्टर में सैफ अली खान को देखना कौन नहीं चाहेगा यार, कौन नहीं। प्लस यार वही जो आदि पुरुष का कैरेक्टर होने वाला है उसको प्ले कर रहे हैं प्रभास। और इनसे अलग भी कुछ और भी अच्छे एक्टर होने वाले हैं। मूवी का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो होने वाला है यार हिंदू मैथोलॉजी पर, और इसी वजह से इस मूवी से बहुत ज्यादा उम्मीद बताई जा रही है। प्लस यार कहा जा रहा है इसको हिंदी के साथ साथ यार पूरे वर्ल्ड में रिलीज किया जाएगा, जो कि यार इस प्रभास के लिए बनता भी है, क्योंकि यार उनको आदि पुरुष के कैरेक्टर में कौन नहीं देखना चाहेगा। और मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो पता नहीं, पर इतना जरूर पता है कि यार 2022 में आपके सामने ये मूवी आ जाएगी। चाहे यार जो उनकी प्रभास 21 जो मूवी है जो दीपिका पादुकोण के साथ है वो मूवी आए या नहीं आए, पर ये मूवी फाइनल है कि ये मूवी आने वाली है और इसकी शूटिंग भी स्टार्ट होने वाली है 2021 से ही। फिर अब बात करते हैं 2023 की, तो इसमें भी यार उनकी दो मूवीज आ सकती हैं। उसमें यार जो सबसे पहला नाम है वो होने वाला है डायरेक्टर यार प्रशांत नील के साथ। और अगर आप इनको नहीं जानते हो ना तो यार आपने KGF मूवी को नहीं देखा। जी हाँ यार KGF मूवी को यार इन्होंने ही बनाया है और यही थे यार उसके डायरेक्टर। और KGF चैप्टर 2 का यार कौन इंतजार नहीं कर रहा है और डायरेक्ट भी उसको भी यही कर रहे हैं। तो यार इनके साथ ही यार प्रभास की एक मूवी आने वाली है जो यार 2023 तक रिलीज हो सकती है। प्लस यार इसी साल एक और भी बड़ी मूवी रिलीज हो सकती है जिसमें यार बॉलीवुड के बड़े स्टार काम करने वाले हैं। प्लस यार उसमें प्रभास का भी एक कैरेक्टर होने वाला है। जी हाँ यार हम बात कर रहे हैं रामायण मूवी की, और इस मूवी को भी बनाया जा रहा है और इसमें यार बहुत ही बड़े बड़े स्टार आपको देखने को मिल सकते हैं, बहुत ही बड़े बड़े साउथ सिनेमा के भी, बॉलीवुड के भी। और उसमें जो राम का कैरेक्टर होने वाला है उसको यार प्ले करने वाले हैं प्रभास, और इसी वजह से मूवी सबसे बड़ी मूवी बनने वाली है। पर यार मूवी का अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है इसी वजह से कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, पर यार अगर रिलीज होती है तो ये 2024 तक या 2023 के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगी। तो यार यही सब है मूवीज जो प्रभास की आने वाली है अगले 3 सालों में। तो यार अगर लिस्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कुछ बोलना हो जाकर कमेंट बताओ, और किसी एक्टर की आने वाली मूवीज के बारे में जानना हो तो जाकर यार कमेंट में बताओ। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू।